तो फ्रेंड्स मैं अभी पैकिंग करती हूँ और इधर ये है मेरा लगेज, इधर कपड़े रखे हुए हैं वो पैक करने हैं, क्योंकि हम कल सुबह अर्ली मॉर्निंग से निकल जाएंगे यहाँ से, फिर पता नहीं कब आना होगा पर बहुत जल्दी आएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर बड़ी दीदी रख रही है शादी का कलयुग। ये देखें हमारे यहाँ जब लड़की की विदाई होती है तो इस तरीके से दिया जाता है। ये देखें यहाँ पे भी छोटे छोटे पम्पकिन रखे हुए हैं जो कि मेरी बुआ ने दिए थे, मसाले सब कुछ मिलेगा, मम्मी पापा के घर से सब कुछ मिलेगा। ये देखिए भाई ये है अरसे ट्रेडिशनल पहाड़ फ्रेंड्स, ये है रोटाने और सांचे से इसमें रोटाने वैसे बिस्किट भी बोल सकते हो, इसके बनाने के स्पेशल सांचे होते हैं जिसमें दोनों तरफ से डिजाइन होता है और इसमें सूजी और आटा मिक्स करके बनाया जाता है, गुड़ के पानी से इसको गूंधा जाता है, इसका डो बनाया जाता है। टेस्ट को एनहांस करने के लिए इसका जो फ्लेवर है उसको बढ़ाने के लिए इसमें कोकोनट को ग्रेट करके डाला जाता है, उसको कस के डाला जाता है और सौंफ जो इसमें अल्टीमेट टेस्ट लेके आता है, बहुत ही टेस्टी होता है। हाँ और यहाँ पे बड़ी दीदी अरसे की पेटी पैक करते हुए, ये पेटी फुल नहीं भरी अभी थोड़ा और ये जाएगी काट गोदाम वंदना के घर, मींस ये है वंदना दीदी की पेटी ये भी मेरा और उसके बाद बड़ी दीदी तैयार करेंगी मेरे लिए और सबसे लास्ट में वो करेंगे अपने लिए, क्योंकि बड़ी दीदी ऐसी होती है। एंड दिस इज माय मॉम और ये देखिए छोटे छोटे पम्पकिन मेरी बुआ ने, ये मेरी बुआ के घर से आए हैं, ये आलू अरे पम्पकिन, इसमें मूली और हरी सब्जी भी थी जो कि हम लोग खा चुके हैं। अगर माँ तो माँ होती है, माँ ने मेरे लिए ये बांध दिया, तो ज़्यादा बांध दी थी मुझे, माँ की तरफ से जबकि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँगी और ये घी का डब्बा मम्मी ने हमारे लिए और घी कहाँ गया, और ये साथ में माल्टे भी कट्टे, ये थोड़ा थोड़ा इतने सबके लिए क्योंकि हमारे संतरे के तो पेड़ है माल्टे के नहीं थे। जैसे कि मेरे पापा डायबिटिक हैं तो वो रागी का आटा जो कि हमारे पहाड़ में बोलते हैं मंडवा, मंडवे के आटे की रोटियां खाते हैं, और ये मेरे भाई की जो बहू है मतलब वो हमसे छोटी है, मेरा भाई छोटा तो हमारे यहाँ बहू मतलब उसका नाम लेते हैं, तो मेरी भाभी के मायके से आया है, ये चावल होता है इसकी सांवा, हिंदी में बोलते हैं सांवा और हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं झंगोरा, झंगरेयाल झंगरेयाल, और इसका बनता है झंगोरा। भाभी की मम्मी ने भिजवाया है ये भी और ये भी पहाड़ से अपने घर से माल्टा, इसका आप चाहो तो जूस निकालो, चाहो तो आप इसको ऑरेंज के पीस की तरह यूज कर सकते हो, इसकी कचमोली भी बनती है, कचमोली मतलब कुमाऊँ में तो बोलते हैं नींबू सानना, इसको चटनी वटनी काफी मिक्स किया जाता है, इसमें भंगजीर की चटनी, गुड़, थोड़ा सा इमली का जूस, ये सब मिक्स किया जाता है, और आप पिसे हुए पिसी हुई लून बोलते हैं हमारे पहाड़ी में, उसको कई इंग्रेडिएंट्स ऐसे हर्बल इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर सकते हो, उसमें लहसुन अदरक हो गया, थोड़ा सा तुलसी के पत्ते हो गए, काफ़ी कुछ डाला जाता है, अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, साबुत धनिया हो गया और नमक, उसको पीस के उसके बाद इसकी कचमोली बना के आप खा सकते हो। कचमोली मैं पहाड़ी भाषा में बोल रही हूँ, वैसे चाट हिंदी बोलोगे तो चाट। और ये अब आई पेटी में रख रहे हैं रोटाने, तो ऐसे ही एक एक पेटी सबके लिए तैयार होगी, तो अभी वंदना दीदी की बारी, उसके बाद मेरी और बाद में बड़ी दीदी अपने लिए अभी रखेंगी। तो माँ होती है और ये घर से पेड़ से ये लास्ट सीजन की लास्ट सब्जी थी, सेम फली घर में लगी हुई, थोड़ा सा मेरे लिए, थोड़ा सा दीदी के लिए, थोड़ा सा खुशी के लिए, सबके लिए थोड़ा थोड़ा सा बांध दिया है, और ये जो कि मेरे फादर गॉड फादर डैडी मार्केट से लेके आए हैं, यहाँ भोले की दुकान पे बहुत अच्छी मूँगफली मिलती है जो कि डायरेक्ट सहारनपुर से आती है, मूँगफली नमकीन, और ये बच्चों के लिए बिस्किट विस्किट का कोटा पूरा कर दिया है, और ये सब क्या इसे कुछ खुशी लेके जाएगी और कुछ मैं लेके जाऊँगी, कुछ बड़ी दीदी लेके जाएगी, ये हम तीनों आपस में डिवाइड करेंगे।